अब हम ऑक्सीजन के बारे में सीखेंगे। ऑक्सीजन एक वायु है। ऑक्सीजन की उपस्थिति जानने के लिए हम एक अगरबत्ती का उपयोग करेंगे। हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड और मैंगनीज डाइऑक्साइड की मदद से ऑक्सीजन बनाएंगे। हम अपने प्रयोग के लिए चपटे फल के चम्मच मतलब स्पैचुला, एक वर्टिकल स्टैंड और परीक्षण नली का उपयोग करेंगे। परीक्षण नली को लेके स्टैंड के ऊपर लगाएं ऐसे। अब परीक्षण नली के अंदर थोड़ा हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालेंगे। आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहाँ देखा है? इसका उपयोग हम घाव पोंछने के लिए करते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन छोड़ता है। हमें ये पता लगाना है कि ऑक्सीजन छोड़ा गया है कि नहीं। आप सब जानते हैं कि ऑक्सीजन आग को जलाने में मदद करता है। क्या आप जलती हुई अगरबत्ती देख सकते हैं? अगर मैं ये अगरबत्ती को परीक्षण नली में डालूं, तो आपके अनुसार परिणाम क्या होगा? ये और ज्यादा चमक दमक से चलेगी। चलो देखते हैं कि क्या ये होता है। अभी आप देख सकते हैं कि परीक्षण नली में डालने के बावजूद छड़ी ज्यादा चमक दमक से नहीं जल रही। हम इससे जान सकते हैं कि ऑक्सीजन अभी तक नहीं छोड़ा गया, मतलब कि रसायन प्रतिक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई। हमें रसायन प्रतिक्रिया के लिए एक आवेशक की जरूरत है। हम मैंगनीज डाइऑक्साइड को आवेशक की तरह इस्तेमाल करेंगे। बैटरी शेल में पाए जाने वाले काले पाउडर को मैंगनीज डाइऑक्साइड कहते हैं। हम मैंगनीज डाइऑक्साइड ये परीक्षण नली में डालेंगे। ऑक्सीजन गैस छूटा है कि नहीं ये जानने के लिए मैं ये जलती हुई छड़ी जो कि अगरबत्ती है परीक्षण नली में वापस डालूंगा। जरा ध्यान से देखना कि इस बार छड़ी जलती है कि नहीं। ये और चमक दमक से जलने लगी। हम अभी ये समझ सकते हैं कि जो गैस निकली है वो ऑक्सीजन है। अब हम इस रसायन प्रतिक्रिया का सारांश निकालते हैं।